और हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो है ये, इसमें क्या लिखा है, इसमें हमें दिया है -47 degrees and 30 minutes। अब आप देखो, आपको पता है ना, जैसे उन्होंने दिया है 47 degrees, ये तो हमें पता है डिग्री का साइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है 30 dash, इसका क्या मतलब होता है, इसको हम बोलेंगे 47 degrees and 30 minutes। जो सा ये वाला सिंबल होता है, ये मिनट्स को डिनोट करता है, और अगर ऐसे हमें दो आ जाए तो हमें किसको, ये किसको डिनोट करेंगे, ये सेकंड्स को डिनोट करेंगे। बट हमें यहाँ पर क्या गिवन है, 47 degrees and 30 minutes। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और राइट, ये वाला जो सा क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मैंने हमको ये बोला ही था ना, इम्पॉर्टेंट तो हम उसको बोल सकते हैं, जो सा सारे पार्ट में जो सा यूनिक होता है, वो जो सा क्वेश्चन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता ही होता है, आप कहीं पे भी देख लेना, ठीक है। सेम वाले तो क्यों डालेंगे टीचर्स, है ना, सबसे यूनिक पार्ट ही डालेंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम पहले जो सा अगर क्या करेंगे, जो सा हमें मिनट है, मिनट जो सा उसको पहले हम डिग्री में चेंज करेंगे। डिग्री में चेंज कैसे करेंगे, सॉरी, जैसे हमें पता है यहाँ पर है हमें 30 minutes गया, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 minute में जौन से है 60 seconds होते हैं, 1 minute में 60 seconds होते हैं, और अब यहाँ पर 30 minutes गिवन है, 30 minutes, तो हम उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 60 से डिवाइड ही करेंगे ना। अब यहाँ पर देख रहे हो -47 degrees and 30 minutes upon 60 degrees लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -95 degrees, ठीक है। अब डिग्री आ गई, वैसे सेम पार्ट सेम एज फर्स्ट बन गया ना ये, ठीक है। अब 95 upon 2 degrees, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है हमें, तो क्या करेंगे, हम क्या करते होते हैं, पाई बाय 180 के साथ जौन सा है, 180 के साथ जौन सा है, हम मल्टीप्लाई कर देते होते हैं अपनी डिग्री को, डिग्रीज में क्या है 95 upon 2, बस इसको अब क्या करना है, इसको कट कर दो, सिंपली कट करोगे तो क्या आएगा, बताओ बताओ, ये 5 के टेबल पे कट हो जाएंगे, 5 के टेबल पे गया, 1 पे गया, फिर 15 पे गया, 5 15s are, ठीक है। और ये कितने पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, ठीक है। तो 4, उसके बाद 6 पे जाएगा, 36 5 180 होता है हमें पता है, तो बस हो गया सॉल्व। फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में था तो आंसर क्या आएगा, 19 आएगा यहाँ पर, तो क्या आंसर क्या आएगा, -19π/72, उसका क्या होगा, रेडियन। रेडियन किसे शो करते हैं, हम ऊपर सी डाल देते हैं, ठीक है। इसके साथ जो सा था हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया।